हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। आई होप सो आप सारी वीडियोस पुरानी देख रहे होंगे और आपको जो जो नहीं समझ आ रहा होगा वो नोट करके रखेगा। इस हफ्ते हमारी एक जूम क्लास है जो कि फ्राइडे या सैटरडे को हम शेड्यूल करेंगे। आपको मैसेज आ जाएगा कि कब है और टाइम क्या है आपकी जूम क्लास का। सो आपको अभी तक में जो भी डाउट है आपको मुझसे पूछने के लिए तैयार रहिएगा। सो अब हम आगे चलते हैं। नोइंग योर नंबर्स में हमने थोड़ा बहुत नंबर्स के बारे में पढ़ा था, फिर हम अर्ली सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था हमने, देन इंडियन सिस्टम के बारे में पढ़ा था हमने, कल एक्सपेंशन ऑफ नंबर्स के बारे में पढ़ा था। आज हम नए सिस्टम पे जाते हैं, दैट इज इंटरनेशनल सिस्टम। जैसे हम इंडिया में कई सारी लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, वैसे नंबर्स के भी कुछ टर्म्स होते हैं कहने के। जैसे हम इंडियन सिस्टम में लाख एंड करोड़ यूज़ करते हैं, टेन थाउजेंड थाउजेंड्स हम सब यूज़ करते हैं इंडियन सिस्टम। इंटरनेशनल सिस्टम में, जब इंटरनेशनल सिस्टम में थाउजेंड्स के बाद में हम लोग मिलियन ट्रिलियन, मिलियन बिलियन एंड ट्रिलियन यूज़ करते हैं। इंडियन सिस्टम में हम वहाँ लैक्स एंड करोड़ यूज़ करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थोड़ा बहुत हम इंटरनेशनल सिस्टम समझते हैं। सब अपनी बुक में पेज नंबर 7 निकाल लीजिए। सब अपनी बुक पेज नंबर 7 पे आ जाइए सारे लोग अपनी बुक में। मैं थोड़ा सा डिफरेंस समझा देता हूँ इनमें। तो बच्चों ये है हमारा इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, ओके। ये इसको पीरियड्स हम बोलते हैं, मिलियन थाउजेंड्स एंड वन, वंस थाउजेंड्स एंड मिलियंस, ठीक है। अब ये कैसे होता है, जो हमारा वंस होता है वो हमारा एग्जैक्टली सेम होता है किसकी तरह से, किसकी तरह, जैसे हमारे इंडियन सिस्टम होता है वंस टेंस हंड्रेड, कोई डाउट नहीं। जो हमारा थाउजेंड्स होता है वो भी वैसा ही होता है, थाउजेंड एंड टेन थाउजेंड, यहाँ तक अभी तक कुछ नहीं बदला है ना। लेकिन थाउजेंड्स में वहां पे एक और चीज होती है, जैसे यहाँ हंड्रेड था वैसे यहाँ पे एक हंड्रेड थाउजेंड्स भी होता है, ओके। उसके बाद में मिलियन एंड टेन मिलियन, ठीक है। जो हमारा मिलियंस होता है वो है मिलियन, टेन मिलियन एंड देन हंड्रेड मिलियन, ओके। इसके आगे हंड्रेड मिलियन, बट उस जो हम इसको देखते हैं तो अब देखो वापस एक बार देख लो कैसे होता है, कैसे ये स्टार्ट होता है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, आज टुडेज टॉपिक इज इंटरनेशनल, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम बना लेते हैं हम, कैसे होता है। एक मिनट, आप अपनी नोटबुक में भी बनाते रहना इसको, सो आपको कुछ डाउट ना रहे। हाँ ओके, तो सबसे पहले है हमारा हंड्रेड्स वाला पीरियड, जैसे हमारे नॉर्मल उसमें भी होता था, ये है हंड्रेड्स, ओके। हंड्रेड्स में सबसे पहले है वंस, टेंस एंड हंड्रेड, देन है हमारा दूसरा पीरियड जो है थाउजेंड्स वाला। इंटरनेशनल सिस्टम में जो डिफरेंस क्या है वो मैं आपको एक बार बता चुका हूँ, आप यहाँ फिर से देख लेना। थाउजेंड्स यहाँ पे थाउजेंड है, यहाँ पे 10,000 है, लेकिन यहाँ पे एक और सिस्टम है इनके अंदर, ये लोग 100,000 भी यूज करते हैं। हम लोग सीधा 10,000 के बाद में लाख पे जाते हैं, लेकिन यहाँ पे एक 100,000 है। उसके बाद में यहाँ पे मिलियंस है, जो कि मिलियन एंड 10 मिलियन, ओके। इसके आगे भी जाता है बट अभी हमारे कोर्स में इतना ही है तो हम इतना ही समझेंगे, मिलियन और 10 मिलियंस, ठीक है। सो अब ये भी स्टार्ट ऐसे होता है, ये जीरो वंस की प्लेस है, यहाँ पे जो भी नंबर होगा इसका भी एक्सपेंशन वैसे ही होगा बट डिफरेंस थोड़ा सा है। इसका हमें एक्सपेंशन पढ़ने की जरूरत है, हमें सिर्फ हमारे नंबर सिस्टम का एक्सपेंशन देखना है। वंस टेंस हंड्रेड थाउजेंड्स टेन थाउजेंड्स हंड्रेड थाउजेंड और यहाँ पे मिलियन। वन मिलियन मैं आपको समझने के लिए बता देता हूँ, वन मिलियन इज इक्वल टू हमारे जो इंडियन सिस्टम में है उसके 10 लैक्स के बराबर है ना।
1 मिलियन हमारे 10 लाख के बराबर है। ये आ एक बेसिक कन्वर्शन है, आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि उनका 1 मिलियन हमारे 10 लाख के बराबर है। ठीक है, आई होप सो आपको इंटरनेशनल सिस्टम में भी थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं कि अब हम इसे हम बोलेंगे कैसे ना। तो यहाँ पहले हम बुक पे आ जाते हैं थोड़ा बहुत, इंटरनेशनल सिस्टम हम जल्दी ख़त्म करेंगे क्योंकि हमें बस थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस समझना है जो हम समझ चुके हैं। तो हमने सबसे पहला डिफरेंस देखा था क्या, थाउजेंड्स में एक और टर्म ऐड हो चुकी है, वो है 100,000, और मिलियंस और लैक्स और करोड़ की जगह रिप्लेस होके आ गई है मिलियंस मिलियन और 10 मिलियन। ठीक है, अब इंटरनेट फॉर अबाउ प्लेस वैल्यू चार्ट यू विल ऑब्जर्व दैट पीरियड्स ऑफ इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट्स आर डिफरेंट फ्रॉम दोस ऑफ इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट। तो ऑफकोर्स हमने जो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट देखा था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है हमारा इंटरनेशनल प्लेस चार्ट। द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ नंबर्स इन टू सिस्टम्स आर एज अंडर, 1 लाख और 1 लाख इज इक्वल टू 100,000, मतलब 1 लाख किसके बराबर है 100,000, और 10 लाख जो है वो 1 मिलियन के अराउंड 1 मिलियन के बराबर है। तो अगर आप बेसिक सा ये याद रख लोगे कि 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख, तो आपको पता होगा उसका एक पीछे आते ही 1 लाख हो जाएगा, 100,000 इक्वल टू 1 लाख हो जाएगा, और करोड़ के लिए 10 मिलियन करते ही 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, सो ये यही चीज़ यहाँ पूरी लिखी हुई है अच्छे से, आप ये अपनी नोटबुक्स में अच्छे से उतार लीजिएगा। सो इंडियन सिस्टम, अब इन्हें पढ़ना कैसे है हम लास्ट में एक और बार ये देख लेंगे कि अब इन्हें पढ़ना कैसे है, उसमें क्या डिफरेंस है, ये आप अपनी नोटबुक्स में उतार लीजिएगा। दोनों इंडियन सिस्टम इंटरनेशनल सिस्टम बनाइएगा और दोनों के बीच का ये डिफरेंस लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद में अब अगला है रीडिंग नंबर्स, हम इनको नंबर्स को पढ़ते कैसे हैं। रिमेंबर वाइल रीडिंग द नंबर्स वेदर इन द इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम द डिजिट्स इन द ईच पीरियड्स आर रेड एज 1 यूनिट। हमने देखा था इंडियन सिस्टम में और इंटरनेशनल सिस्टम में ऊपर हंड्रेड्स वाले को हंड्रेड्स के लिए हंड्रेड्स में पढ़ा जाता था, थाउजेंड वाले को थाउजेंड्स में पढ़ा जाता था, और जैसे कि ये एग्जांपल जो हमने हमने पढ़ा था क्या था ये, अब सबसे पहले हमने पीरियड्स लगाना, हमने कॉमा लगाना स्टार्ट किया था, कॉमा से हम पीरियड्स भी कहते थे। तो ये कॉमा क्या डिफरेंशिएट करता था कि ये क्या है, अब ये देखो अब मुझे ये समझ आ गया कितना है, 1 करोड़ क्योंकि करोड़ के उसमें था, तो 1 करोड़, 27 लाख क्योंकि लैक्स के पीरियड में था, 91,000 क्योंकि थाउजेंड्स के पीरियड में था, और 458 क्योंकि 458 क्योंकि ये हंड्रेड्स के पीरियड में था। तो सेम इंटरनेशनल सिस्टम के लिए भी है, लेकिन इंटरनेशनल के सिस्टम में प्रॉब्लम क्या है, अब ये हमें किस में आ गया है, जैसे अगर मैं ये नंबर लिखूं तो ये किस में, हंड्रेड्स में क्या है 458, एक मिनट बेटर आपको समझ आ जाएगा, यही नंबर है हमारा 1279 458 है आई गेस, हम देख लेते हैं क्या है 458, थाउजेंड्स में है हमारे पास 791। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे ये देख लीजिएगा, जैसे सेम हमने इंडियन सिस्टम में क्या था हम वैसे ही पढ़ेंगे, ये है 12, तो 12 मिलियंस के पीरियड में है, तो हम इसे बोलेंगे 12 मिलियन, हम क्या पढ़ेंगे इसे 12 मिलियंस, यहाँ 12 लिखना, मैंने ऐसे ही 12 लिखा है बट आपको 12 ढंग से लिखना है, TWELVE 12 मिलियन, 791,000 मतलब 791,000। ठीक है, क्योंकि थाउजेंड के पीरियड में 791, लेकिन अब तीन डिजिट है तो 791,000, और ये कितना है 458। सो ऐसे ही पढ़ना, ऐसे ही लिखना है, बट आप इसकी करेक्ट स्पेलिंग लिखेगा, इसको प्रॉपर स्पेलिंग में लिखेगा, मैंने अभी आपको जस्ट समझाने के लिए कि कैसे पीरियड्स में हम इसे लिखते हैं हमने वो बताया। देखिए 12,791,458, ओके, कोई डाउट, आई होप सो कोई डाउट नहीं होगा। सो अब थोड़ा बहुत और बहुत सारे नंबर लीजिएगा, उनका प्रैक्टिस कीजिएगा, और ठीक है यहाँ एग्जांपल में होगा कुछ नंबर्स, उसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, सो आई होप सो आपको ये समझ आ गया होगा, अगर आपको जो भी डाउट होगा तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, अगर कमेंट बॉक्स ओपन है तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा अगर अभी तक जो भी डाउट होगा, अगर नहीं होगा तो स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा। थैंक यू for the class student.